Hey guys, welcome back to my channel Neha Loves Fashion. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं हूँ नेहा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटी फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस. और गाइस वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड रिलेटिव या किसी के भी साथ, फ्री है बिल्कुल. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ में ही छोटी सी प्यारी सी घंटी है उस पर भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ वाओ का ये फेस वॉश. एंड ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, लाइक पॉपुलर फेस वॉश है. ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा एंड ये आपको वाओ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. एंड मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है. करीबन मुझे इसे यूज़ करते हो गए हैं 20 डेज और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, रियल एक्सपीरियंस जो रहा है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस रिव्यू के थ्रू. सो गाइस ये फेस वॉश आता है प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बोतल में. एंड जो इसकी कैप है ये प्लास्टिक नहीं है, ये ग्लास में है और ये मेरे से टूट भी चुकी है. एंड ये पंप के साथ आता है. और फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है इस फेस वॉश के बारे में. ये काफ़ी पॉपुलर फेस वॉश है तो इसमें क्या ऐसी खास बात है कि ये इतना पॉपुलर है. इस वाओ स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए बेस्ट होते हैं और शायद यही रीज़न है इनके पॉपुलर होने का. और गाइस इससे पहले मैंने आप सबके साथ वाओ के और भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं. लाइक आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं करते या फिर आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम है या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वो आपको काफी पसंद भी आई थी जिन्होंने देख रखी है. सो अगर आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लेना. सो गाइस ये बॉटल कुछ इस तरह से आती है और इस पे लिखा हुआ है वाओ स्किन केयर. और गाइस वाओ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं उनका पॉपुलर होने का एक ही रीज़न है, 100% केमिकल फ्री. बिकॉज हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सो बार सोचते हैं ना कि कहीं वो हमारी स्किन पे कोई रिएक्ट ना कर जाए, तो इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, इससे हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बिकॉज ये 100% केमिकल फ्री है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया. इस पे लिखा है एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है ये एंड लिफ्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स टॉक्सिन्स एंड डर्ट. एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स इसमें यूज़ किए गए हैं एंड टी ट्री ऑयल बीड्स यूज़ किए गए हैं. दोनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं. तो गाइस नीचे इस पे लिखा हुआ है सूट ऑल स्किन टाइप्स. ये एक और रीजन है इसका पॉपुलर होने का, बिकॉज आधे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं कि वो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए होते हैं, ऑयली स्किन के लिए होते हैं, नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं. बट ये प्रोडक्ट आप ऑल स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो, ठीक है. और नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्ने प्रोन स्किन. सो गाइस अब हम इसे चेक कर लेते हैं. ये प्लास्टिक बोतल में आता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बट जो इसकी कैप है ये ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ग्लास कैप है, सो मुझे टूट भी चुकी है. और इसके बाद यहाँ पर इसमें सिल्वर पोर्शन दे रखा है और ऊपर है वाइट कलर का पंप है. तो इसकी खास बात है कि यहाँ से जितना भी हमें प्रोडक्ट लेना है हम उतना यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से आपको इसमें चारकोल, छोटे छोटे चारकोल बीड्स नज़र आ रहे होंगे. तो अब हम बात कर लेते हैं इनके बेनिफिट्स की. इसमें एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स हैं जो कि हमारी स्किन में से पॉल्यूटेंट, डर्ट, टॉक्सिन्स, जर्म्स, इम्प्योरिटीज़ को डीपली क्लीन करता है, रिमूव करता है. और साथ ही साथ चारकोल हमारी स्किन के लिए, लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो उनके लिए अच्छा रहता ही है बिकॉज ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है. सेकेंड इसमें यूज़ किया गया है टी ट्री ऑयल बीड्स जो कि हमारी स्किन के लिए अगेन अच्छे होते हैं. कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. टी ट्री ऑयल बीड्स हमारी स्किन को सूथ करता है, प्लस हमारी स्किन पे जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, इन्फेक्शन को हील करता है. और इसके बाद एक और बात आती है इतने सारे बेनिफिट्स के बाद कि हमारी स्किन को ग्लो करता है या नहीं करता. बिकॉज बहुत सारे फेस वॉश ऐसे होते हैं जैसे पॉन्ड्स का फेस वॉश है, उसका भी रिव्यू मैंने आप सबके साथ शेयर किया था 3 फेस वॉशेस का, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो गाइज ये भी एक मेन पॉइंट है कि हमारी स्किन को ग्लो करता है या नहीं. बट मेरे अकॉर्डिंग ये फेस वॉश मुझे काफ़ी पसंद आया और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं. लाइक आपको मेरे फेस पे ग्लो तो दिख ही रहा होगा, ये सब इसका कमाल है. सो थैंक यू. सो गाइस ये था मेरा वाओ चारकोल फेस वॉश का फुल रिव्यू. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए. बिकॉज जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ और मेरी स्किन अभी काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है. और आप सबने मुझे कमेंट्स के थ्रू भी बोला मेरी वीडियोज़ के कमेंट्स में कि हाँ मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना बनता है. और सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे. और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो आपको इसके कितने पंप, लाइक कितना फेस वॉश यूज़ करना चाहिए. सो आप इसके 2 पंप लीजिए, काफ़ी रहेंगे. सो गाइस ये था मेरा
वाओ फेस वॉश का रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव या किसी के भी साथ, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, नीचे रेड बटन है उस पर प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में छोटी सी प्यारी सी घंटी है येलो कलर की मेरी टी शर्ट से मैचिंग, उस पर भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।